फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें 50 क्वेश्चन का ये सीरीज आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी के पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा, सिविल कोर्ट, बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, एमटीएस सभी कम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये सीरीज होने वाला है। तो ये सीरीज का रिविजन करेंगे निश्चित तौर पर, टोटल का टोटल 50 क्वेश्चन अगर आप रिवीजन करते हैं तो अभी तक 92 नंबर सेट चल चुका है। इसके पहले का भी सेट अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहां से जाके हमसे आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे सेट प्रैक्टिस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पीडीएफ वहां हम अपलोड करते हैं वो भी आपको वहां पर रिवीजन के तौर पर मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, केसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर ऐसा लगता है कि इस वीडियो में दूसरे स्टूडेंट के लिए भी कुछ लाभ हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपके लिए हम लाते हैं और उसका एनालिसिस उसी रूप में हम करने का प्रयास करते हैं जिसके लिए आपको आंसर जितना चाहिए, यानी कि इसमें किसी भी तरह का फालतू का बात नहीं रहता। आप जितना रिवीजन कर सके और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना आंसर बन सकता है या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसी के बारे में सटीक एनालिसिस करके हम आपको देते हैं। तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यह गोपाल हरि देशमुख के बारे में और भी देखेंगे तो 1823 ईस्वी में इनका जन्म महाराष्ट्र में होता है, 1892 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख की बात करें तो इनका मूल उपनाम सिधाये था, बाद में इनका उपनाम देशमुख पड़ गया था। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे और इनके द्वारा कई लेख लिखे गए थे और इनके द्वारा लिखित लेखों को शतपत्रे के नाम से जाना जाता है। यानी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछता है कि इनमें से किस समाज सुधारक के द्वारा लिखे गए लेख को शतपत्रे के नाम से जाना जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख के द्वारा लिखे गए लेख पत्र को। इसके अलावा इनके द्वारा साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर जो कि सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर 1848 ईस्वी में लिखा गया था, तथा इसके अलावा 1878 ईस्वी में गीता तत्व तथा सुभाषित का प्रकाशन भी किया गया था। इन्होंने जात पात और भेदभाव के विरुद्ध जाति भेद नामक पुस्तक की भी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा इसमें सुमेलित नहीं किया गया है? तो जरा देखिए, लॉर्ड कार्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त लाया, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि को प्रणाली को लाया, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी में हुआ था, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स से नहीं बल्कि यह वेलेजली से संबंधित था, तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन बिल्कुल सही है। तो देखेंगे अस्थायी बंदोबस्त क्या था, तो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा सन 1790 ईस्वी में भू राजस्व बोर्ड का गठन किया गया था। 1790 ईस्वी में भू राजस्व बोर्ड का गठन लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा किया गया तथा इसी के तहत 1792 ईस्वी में भूमि का मालिक मान लिया गया किसान को, जमींदार को दे दिया गया, और इस शर्त पर दिया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष तक कर अदा करने की व्यवस्था की गई। यानी जो जमींदार होगा जिसको जमीन दिया गया है वो 10 वर्ष तक जमीन को लेकर और टैक्स जमा करेगा, क्लियर। इसी को अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था या इसी को इस्त मरारी व्यवस्था कहा गया। मुख्य रूप से यह अस्थाई व्यवस्था बंगाल और बिहार में लागू किया गया था जो कुल भूभाग का 19% भाग पर लागू किया गया था। सहायक संधि की बात करें तो इसे लॉर्ड बेलेजली के द्वारा सन 1798 ईस्वी में भारतीय राज्यों को कंपनी के अधीन लाने के लिए लागू किया गया था। इसके पहले इस नीति का प्रयोग यानी सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा लागू किया गया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई थी। 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन, इसके द्वारा सती प्रथा को धारा 17 लगा करके सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और इसके लिए सबसे बड़ा प्रयोग जो किए थे वो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ, सती प्रथा को सबसे पहली बार बंगाल में, बंबई में तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में शासनाध्यक्ष क्या होता था? तो मौर्य प्रशासन में शासनाध्यक्ष जो था
वो लक्षणाध्यक्ष जो था वो टकसाल का अध्यक्ष हुआ करता था। मौर्य प्रशासन के विधि व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र की ओर चलना होगा। अर्थशास्त्र 18 तीर्थों के अतिरिक्त, अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ की चर्चा किया गया है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष प्रसार नामक एक अध्याय भी है अर्थशास्त्र में, जिसमें कुल 27 अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है और इन 27 अध्यक्ष के कार्य मुख्य रूप से राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नियमन करने के लिए किया गया था। इन 27 अध्यक्ष का कर्तव्य की चर्चा अर्थशास्त्र के दूसरे अधिकरण में किया गया है। आपको याद होगा या ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र जो है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है, जिसमें से दूसरे अधिकरण में विभिन्न प्रकार के अध्यक्षों के कर्तव्य की चर्चा मिलती है। क्लियर? अब देखेंगे अर्थशास्त्र के अनुसार व्यापार विभाग का प्रधान पन्याध्यक्ष कहलाता था, टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था, खाद्यान्न या खान का अध्यक्ष आंकड़ाध्यक्ष कहलाता था और चारागाहों का अध्यक्ष विविताध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था किसके द्वारा? भारत में द्वैध शासन प्रणाली को पहली बार भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के द्वारा लागू किया गया था। जरा देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1909 ईस्वी, ये इसे ही मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इसके तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया, साथ ही भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति भी इसी के द्वारा किया गया था। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, इसके तहत केंद्र में द्विशदनात्मक विधायिका, केंद्र में द्विशदनात्मक विधायिका, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, पहली बार भारत में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम का, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है। प्रांतीय विषयों का विभाजन किया गया, जिसमें आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय को रखा गया। लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया इसके तहत, वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। क्लियर? 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, भारत संविधान का ब्लूप्रिंट इसे कहा जाता है, और इसके तहत अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना। अब ध्यान दीजिए, यहां पर प्रांतों को स्वायत्तता दे दिया गया 1935 ईस्वी में, तथा केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसके अलावा संघीय न्यायालय की स्थापना तथा भारत परिषद का अंत भी कर दिया गया 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम क्या कहता है? तो इसके तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी की शक्ति प्रदान की कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो अणुओं की संख्या होती है 2। अब इसे निकालने के लिए क्या कहेंगे? तो भार दिया हुआ है हमें, टोटल अनुभार दिया हुआ है 88 ग्राम। अब हमें निकालना है मोलों की संख्या, मोलों या अणुओं की संख्या निकालना है, अणुओं की संख्या निकालना है। इसके लिए क्या होता है? तो भार फॉर्मूला होता है, भार बट्टा अनुभार होता है, भार बट्टा अनुभार। अब हमें अनुभार निकालना है किसका? CO2 का। पहले अनुभार निकाल लेंगे, भार तो दिया हुआ लेकिन अनुभार नहीं दिया हुआ, तो CO2 का अनुभार निकाल लेंगे। अनुभार निकालने के लिए क्या करेंगे? तो C का कितना होता है द्रव्यमान? 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, और कितने ऑक्सीजन अणु है? 2, तो 2 से गुना कर देंगे, बराबर आ जाता है 44। अब हम निकाल लेंगे मोलों की संख्या, 88 भार है, अनुभार 44 आ गया, इसको काटेंगे 2 से, आंसर हमारा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार नीति किसमें शामिल किया गया? तो निर्यात आयात नीति के तहत व्यापार नीति को शामिल किया गया है। जरा एनालिसिस पर ध्यान दीजिएगा, तो व्यापार नीति यह है क्या? तो निर्यात आयात नीति इसमें शामिल किया जाता है, जो कि भारत सरकार ने व्यापार की एक एकीकृत नीति अपनाई थी, उसे ही आयात निर्यात नीति या व्यापार नीति कहा जाता है। इसका आयात और निर्यात दोनों पर प्रभाव पड़ता है। क्लियर? लाइसेंसिंग नीति ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, देश में उद्योगों के समुचित विकास को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने 18 फरवरी 1970 ईस्वी को एक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की गई थी। क्लियर? इसमें सार्वजनिक, लघु एवं सहकारी क्षेत्र के उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया,
तथा बड़े उद्योग को सीमित कर दिया गया लाइसेंसिंग नीति के तहत। जबकि विदेश मुद्रा नीति क्या है, तो इसके तहत विनिमय दर नीति को शामिल किया जाता है। विनिमय दर नीति क्या है, तो घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया ही विनिमय दर नीति कहलाता है, इसको शामिल किया गया है। इसमें कोई देश विदेशी मुद्राओं और विदेशी मुद्रा बाजार के संबंध में अपनी मुद्रा का प्रबंधन करता है। भुगतान संतुलन नीति क्या है, तो भुगतान संतुलन नीति यानी BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉलिसी, यह एक तरीका होता है जिसके द्वारा देश एक निश्चित किसी भी देश के द्वारा एक निश्चित अवधि के भीतर सभी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक लेन देन को मापा जाता है। क्लियर, यानी एक निश्चित अवधि के भीतर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक लेन देन को मापने की विधि भुगतान संतुलन नीति कहलाती है, या इसे ही BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉलिसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के विचार निम्नलिखित सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। अब देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में दो आया होगा, एक तो स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी, दूसरा कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी। क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार, संविधान सभा का नहीं, संविधान सभा का विचार किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, तो कांग्रेस पार्टी 1936 ईस्वी में विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। लेकिन इसके पहले जानेंगे संविधान सभा के विचार को व्यावहारिक रूप से सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया था 1934 ईस्वी में, जब मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। अब संविधान के निर्माण की मांग व्यक्तिगत रूप से मोतीलाल नेहरू ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत की, तभी से संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान के निर्माणकर्ता के रूप में एक संगठन की मांग होने लगी, और उस संगठन को संविधान सभा कहा गया। तो संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन व्यक्तिगत रूप से M.N. राय के द्वारा 1927 ईस्वी में किया गया। क्लियर, तथा इसका इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य जवाहरलाल नेहरू ने 1933 ईस्वी में किया। अब जरा ध्यान दीजिएगा 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग वाला प्रस्ताव प्रस्तुत किया, संविधान सभा की मांग वाला, ना कि संविधान सभा के विचार वाला, तो संविधान सभा की मांग वाला प्रस्ताव प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी 1934 ईस्वी में। इसके बाद दिसंबर 1936 ईस्वी में फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान सभा के विचार को प्रस्तुत किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया, तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा। देखेंगे तो हमारे मूल संविधान में किसी भी प्रकार का मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं किया गया था, इसे 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा सरदार स्वर्ण शिश समिति के अनुशंसा के सिफारिश के आधार पर 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान परिस्थिति देखा जाए तो हमारे संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य है, और इस 11वें मूल कर्तव्य को 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा शामिल किया गया है। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की चर्चा रूस के संविधान से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 का क तथा अनुच्छेद 51 के क में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। F. गाल्टन के द्वारा सबसे पहली बार प्रति चक्रवात शब्द का, एंटी साइक्लोन शब्द का प्रतिपादन किया था 1861 ईस्वी में, जो एक इंग्लैंड के मौसम वैज्ञानिक थे। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन क्या होता है, तो केंद्र में हाई प्रेशर और परिधि में लो प्रेशर होता है, तो यह केंद्रीय हाई प्रेशर से पवन परिधीय लो प्रेशर की ओर चलती है, इसे ही प्रति चक्रवात कहा जाता है, और यह चक्रवात के विपरीत माना जाता है। क्लियर, प्रति चक्रवात जो होता है वो शांत मौसम का वैसे प्रतीक माना जाता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में इस प्रति चक्रवात के द्वारा कपासी अथवा कपासी वर्षीय मेघ का निर्माण होता है, तथा इसमें मूसलाधार बारिश भी हो जाती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में हम करें। हालांकि मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में इसके आगमन से शीत लहर का प्रकोप देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महानदी की सहायक नदी इसमें से नहीं है, तो तेल नदी है, हंसदेव नदी है, मांड नदी है, लेकिन सिमसा नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी नहीं होके कावेरी की सहायक नदी है। क्लियर, कावेरी की सहायक नदी है। अब जरा देखिएगा महानदी जो है इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जनपद में स्थित सिहावा श्रेणी से इसका उद्गम होता है, और यह नदी जो है वो कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, उड़ीसा के कटक के बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यह महानदी पर हीरा कुंड बांध स्थित है, जो कि कहां स्थित है, उड़ीसा में, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। इस प्रकार से कटक जो है वो महानदी का तटवर्ती शहर हो गया। महानदी की कुल लंबाई लगभग 875 किलोमीटर है,
महानदी की प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो शिवनाथ नदी है, हंसदेव नदी, तेल नदी, मांड नदी, ईव नदी, जोंक नदी तथा ब्रह्माणी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करना है। रामानुजाचार्य ने एक तरफ दिया हुआ आचार्य, दूसरा तरफ उनके द्वारा मत दिया हुआ, तो रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैत मत, विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, जबकि मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। निम्बार्कचार्य ने द्वैत द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था और वल्लभाचार्य ने शुद्धा द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। आंसर मिलता है 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे एक तरफ एनालिसिस में आपको दिया हुआ है संप्रदाय, मत और उनके आचार्य। तो सबसे पहले दिया हुआ है मत, विशिष्ट द्वैत विशिष्टा द्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया तथा इनके द्वारा जो प्रमुख संप्रदाय की स्थापना किया वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किया गया। द्वैत द्वैतवाद द्वैत मत का प्रतिपादन आनंद तीर्थ या मध्वाचार्य के द्वारा किया गया तथा इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। शुद्धा द्वैतवाद की स्थापना निम्बार्कचार्य के द्वारा किया गया था तथा इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। द्वैतवाद निम्बार्कचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था तथा शनक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। एक और है जो है एक और है जो अद्वैतवाद का प्रतिपादन शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था कब? 10 अगस्त 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। इन्हीं के कारण इनके नाम पर ट्रांबे यानी मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क BARC की स्थापना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है दुनिया भर में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो पहली बार 2001 में मनाया गया था और ये भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT के द्वारा मनाया गया था। 2022 में कंप्यूटर साक्षरता दिवस की थीम जो रही थी वो ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिया जनजाति बिहार के किस जिले में पाई जाती है? वैसे तो बेरिया जनजाति बिहार के अलावा झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है, लेकिन बेरिया जनजाति मुख्य रूप से बिहार के मुंगेर जिला में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला मॉस गार्डन जो है इनमें से ऑप्शन कोई नहीं है, उत्तराखंड में भारत का सबसे पहला मॉस गार्डन की स्थापना किया गया है। जरा देखिएगा, उत्तराखंड में नैनी जिले के खुरपा ताल में भारत का पहला मॉस गार्डन जुलाई 2019 में स्वीकृत किया गया था, लेकिन इसका उद्घाटन 20 नवंबर 2020 को वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था, जिसमें लगभग 30 विभिन्न प्रजातियों के मॉस और कुछ अन्य ब्रायोफाइटा प्रजाति को शामिल किया जाता है। मॉस एक तरह का काई होता है जो दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई देता है और इसका औषधि में बहुतायत रूप से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश बहुपक्षीय सैन्यभ्यास ओरियन की मेजबानी कर रहा है? तो फ्रांस जो है वो बहुपक्षीय सैन्यभ्यास ओरियन की मेजबानी कर रहा है। जरा देखिएगा, यह ओरियन जो है वो 18 अप्रैल 2023 को फ्रांस के मोड डी मार्सन एयरबेस में शुरू हुआ था। यह अभ्यास भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई अन्य देशों के सैनिक और विमानों की भागीदारी को शामिल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ का कथन था कि अर्थशास्त्र जो है वो एक धन का विषय है। देखेंगे अर्थशास्त्र एडम स्मिथ के लिए, तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विषय है और इनकी पुस्तक है एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस है प्रमुख पुस्तक, जो 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रॉबिन्सन, इनके अनुसार अर्थशास्त्र जो है वो चुनाव का विज्ञान है, ध्यान रखेंगे अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ये भी कथन इनका ही है। इसके अलावा अर्थशास्त्र के बारे में इन्होंने कहा था कि लक्ष्य एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित संसाधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव संव्यवहारों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। कीन्स का कथन था, कीन्स के बारे में जरा देखते हैं, तो इनके द्वारा 1936 ईस्वी में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक की रचना की गई थी। इन्होंने
रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं होता है, अतः वहां पर किसी भी प्रकार का प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन नहीं हो पाता है, अतः अंतरिक्ष में गए यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। अब यह जो घटना होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन घटना पर आधारित है, ये ध्यान रखेंगे, कभी क्वेश्चन में पूछेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहाई सागर निम्नलिखित में से किसका हिस्सा होता है? तो यह पीला सागर का हिस्सा होता है, बोहाई सागर। बोहाई सागर जो है वो बोहाई खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उत्तर एवं उत्तर पूर्वी चीन से लगा हुआ एक सागर है, और यह पीले सागर की सबसे अंदरूनी खाड़ी है, अतः पीले सागर के साथ यह भी प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है। बोहाई की खाड़ी को चिहली की खाड़ी या पेचिहली की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इनमें से किस खाड़ी को या किस सागर को चिहली की खाड़ी या चिहली का सागर कहा जाता है, तो बोहाई की खाड़ी या बोहाई सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे उत्प्रवाही द्रव्य, उत्प्रवाही द्रव्य का मतलब हॉट करेंसी के रूप में माना जाता है, तो FII को उत्प्रवाही द्रव्य, कहने का मतलब जिसमें पलायन कर जाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, उसे हॉट करेंसी या उत्प्रवाही द्रव्य कहा जाता है। FII का पूरा रूप होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या इसी को FPI भी कहा जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसे ही उत्प्रवाही द्रव्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अति शीघ्र पलायमान होता है, अति शीघ्र पलायन कर जाने की क्षमता होती है, जैसे कि हॉट करेंसी, तो हॉट करेंसी को भी उत्प्रवाही द्रव्य ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुव्रत का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था? तो जैन धर्म में अनुव्रत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ के लिए कुल 5 प्रकार के अनुव्रत की चर्चा मिलती है, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, सत्य वचन यानी सदा सत्य बोलना, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना, तथा ब्रह्मचर्य जीवन। ये 5 मूल जो अनुव्रत है वो जैन धर्म के द्वारा दिए गए, हालांकि महावीर स्वामी के द्वारा 4 अनुव्रत का पालन करने के लिए, महावीर स्वामी के पहले 4 अनुव्रत की चर्चा किया गया था, अहिंसा सत्य वचन अस्तेय अपरिग्रह, लेकिन महावीर स्वामी के द्वारा 5वां अनुव्रत को शामिल किया गया, ब्रह्मचर्य को भी। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर थे इनके द्वारा किया गया था, परंतु वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इसके अलावा हीनयान बौद्ध संप्रदाय और महायान बौद्ध संप्रदाय जो है वो चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो न्यायपालिका को संघीय व्यवस्था में संतुलन चक्र माना जाता है। क्यों? क्यों जरा ध्यान दीजिएगा, सभी संघात्मक राज्य के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, जिसका कार्य संविधान की व्याख्या एवं उसका रक्षा करना होता है। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार या प्रांतीय सरकारों में परस्पर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर सर्वोच्च न्यायालय ही इस विवाद को हल करता है। अतः इस कारण से हास्किन के कथन के अनुसार, हास्किन नामक विद्वान ने संघीय शासन में सर्वोच्च न्यायालय को शासन तंत्र में संतुलन रखने वाला पहिया या संतुलन चक्र कहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो सर्वग्राही जो होता है सभी को ग्रहण करने वाला रुधिर वर्ग AB ब्लड ग्रुप होता है। अब जरा देखिएगा ब्लड ग्रुप के बारे में, तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। इसके अनुसार रुधिर में इसकी एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर 4 समूहों में बांटा जाता है। ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी होता है, लेकिन एंटीजन ए भी होता है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए होता है और एंटीजन बी होता है। ब्लड ग्रुप AB में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से यह किसी को भी ब्लड को रिसीव कर सकता है, किसी के ब्लड को भी यह प्राप्त कर सकता है। क्लियर? अतः यही कारण है कि यह भी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। चौथा है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ की खोज डी कोस्टले और स्टर्ली नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। इस ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी AB पाया जाता है, जबकि एंटीजन अनुपस्थित होता है। यही कारण है कि ब्लड ग्रुप ओ किसी भी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को दे सकता है, सभी को दे सकता है। यानी दाता सबसे ज्यादा होता है, जो डोनर जो होता है ओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन एंटीबॉडी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ मैत्री दिवस मनाया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 6 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 1971 ईस्वी में नवगठित देश बांग्लादेश को भारत द्वारा मान्यता दिया गया था और उसे चिन्हित किया गया था, इसके लिए मैत्री दिवस मनाया जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच। क्लियर?
मैत्री एक्सप्रेस भी एक है जो भारत और बांग्लादेश के बीच ही चलने वाली एक रेलगाड़ी यात्रा है। यह 14 अप्रैल 2008 से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आई एन यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका कार्यालय जो है वो हैदराबाद में स्थित है। जरा एनालिसिस को देखिएगा, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एनआईएन का केंद्रीय कार्यालय हैदराबाद में स्थित है तथा इसकी स्थापना कुन्नूर में वर्ष 1918 ईस्वी में बेरी बेरी यूनिट के रूप में हुई थी। इसके अलावा हैदराबाद में ही राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान तथा कोशिकीय एवं आण्विक जीव विज्ञान केंद्र भी स्थित है। मुंबई में स्थित प्रमुख संस्थान की बात करें तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च तथा भारतीय भू चुंबकीय संस्थान स्थित है मुंबई में। बेंगलोर में स्थित प्रमुख अनुसंधान संस्थान जो है रमन अनुसंधान संस्थान, पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र तथा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान बेंगलोर में है। कोलकाता में प्रमुख अनुसंधान संस्थान केंद्रीय कांच एवं मृतिका अनुसंधान संस्थान है, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है तथा केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशीतकीय, जिसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। इसके अलावा अथर्ववेद में एकराट जो है वो सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता भी माना गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना की बात करें तो मही दास ऐत्रेय के द्वारा किया गया था तथा इस ग्रंथ में सोम अस्तवनों एवं राज्याभिषेक के विभिन्न यज्ञ संबंधी विधानों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करगांडा बेसिन कहाँ स्थित है? तो यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है और ये कजाकिस्तान के क्षेत्र में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन इसमें से सही है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यानी कि इसे ही कहा जाता है प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम। इसके अंतर्गत जो होता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी जो है वो नहीं होता है, एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी कार्यपालिका जो होता है वो व्यवस्थापिका के प्रति स्वतंत्र होता है, यानी दोनों अलग अलग निकाय है और अलग अलग कार्य करते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या राष्ट्रपति शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम में। अब यह क्या होता है? तो मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर यह आधारित होता है और इसके अंतर्गत कार्यपालिका व्यवस्थापिका एक दूसरे कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है। कहने का मतलब है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। जैसे जहां जिस देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाया गया है या प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम अपनाया गया है वो देश है अमेरिका, फिलीपींस, पाकिस्तान, लाइबेरिया इत्यादि देश है। इसके विपरीत माना जाता है संसदनात्मक शासन प्रणाली को। संसदनात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका ये दोनों साथ में मिलजुल कर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में प्रवाल द्वीप पर्यटकों को आकर्षित करती है? तो मालदीव जो है वो प्रवाल द्वीप पर्यटक को काफी आकर्षित करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है जो मिनिकाय आइलैंड और चागोस द्वीप समूह के बीच 26 प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी चेन श्रृंखला में पाया जाता है जो लक्षद्वीप की दक्षिण उत्तर दक्षिण दिशा तक भी फैला हुआ है। यह लक्षद्वीप सागर में भी स्थित है जो श्रीलंका की दक्षिणी पश्चिमी दिशा में करीब 700 किलोमीटर पर स्थित है। मालद्वीप के प्रवाल द्वीप लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र होता है जो दुनिया के सबसे पृथक देशों में से एक बनाता है। इनमें 1192 टापू हैं जिसके कारण यह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र किसी दिए गए क्षेत्र की इकाई के लिए सबसे अधिक कार्बन का प्रच्छादन करेगी? सबसे ज्यादा प्रच्छादन यानी सबसे ज्यादा कार्बन का जो पहचान करेगा वो लवणीय भूमि के द्वारा किया जाएगा। सबसे ज्यादा देखेंगे यह लवणीय भूमि जो होता है वो ब्लू कार्बन के प्रमुख तटीय आवास में से एक होता है, यानी सबसे ज्यादा ब्लू कार्बन जो है वो पाया जाता है लवणीय भूमि में, जो ऊपर और नीचे के बायोमास और तलछट के भीतर कार्बन को स्टोर करने की उनकी क्षमता के लिए पहचाने जाते हैं। और कार्बन को स्टोर करने की क्षमता यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वनों की तुलना में 2 से 4 गुना ज्यादा होता है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो मैग्नीशियम धातु को निकाली जाती है समुद्र के पानी से। अब कैसे निकाली जाती है? तो मैग्नीशियम को डाब विधि के द्वारा, मैग्नीशियम को डाब विधि के द्वारा समुद्र के लवण MgCl2 × 6H2O के द्वारा निष्कासित किया जाता है। इसका प्रयोग जो है, इस डॉप विधि से जो मैग्नीशियम निकाला जाता है, इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉन के निर्माण में तथा मैग्नीलियम के बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब चर्चा करें तो सर्वप्रथम महासागरीय लवणता के बारे में डिटमर नामक विद्वान के द्वारा 1884 ईस्वी में बताया था, जिन्होंने बताया था कि कुल 47 प्रकार की लवणता पाई जाती है समुद्र में, जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा जो है वो 10.9% होती है तथा सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है। दृष्टि का अस्थायित्व का सिद्धांत है क्या, जरा देखेंगे। तो मस्तिष्क के द्वारा रेटिना पर पड़ने वाला प्रकाश की संवेदना प्रकाश स्रोत या प्रतिरूप के हटने के कुछ समय बाद भी तक रहती है बनी हुई। अब कुछ दृश्य को आप देख रहे हैं, एकाएक लाइट बंद कर दिया जाए तो कुछ समय तक आपके दृष्टि पर रेटिना पर वह प्रतिबिंब ऐसा लगेगा कि दिख रहा है। इसे ही दृष्टि अस्थायित्व कहा जाता है, क्योंकि आपका दृष्टि जो है उस वस्तु पर टिक गई होती है, स्थायी हो गई होती है, इस कारण ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। यदि किसी क्रिया के विभिन्न पहलुओं के चित्र को एक क्रम में तैयार किया जाए और उन्हें एक द्रुत क्रम में देखा जाए तो आंखों और चित्रों दोनों आपस में जुड़ जाता है, परिणामतः चलते हुए प्रतिरूप का भ्रम हो जाता है। इस कल्पना का प्रयोग चलचित्र या टेलीविजन में बहुत रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से अलग कर ओडिशा का नया प्रांत कब बनाया गया था? ओडिशा को 1936 ईस्वी में बिहार से अलग कर दिया गया और एक नया प्रांत बना दिया गया था। जरा देखिएगा कहानी क्या है, तो 1911 ईस्वी में शाही दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। पूरे बिहार के बारे में चर्चा, 1911 ईस्वी में शाही दिल्ली दरबार का आयोजन होता है इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज फाइव एवं महारानी मैरी के स्वागत में। इस दरबार में 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और बिहार को बंगाल प्रांत से अलग प्रांत, बिहार जिसमें उड़ीसा को भी शामिल किया गया था, इसके रूप में बनाने का निर्णय लिया जाता है। इस निर्णय को कानूनी रूप दिया जाता है 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में, तथा अर्थात बिहार को बंगाल से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया जिसमें उड़ीसा भी शामिल था 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। पुनः 1936 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया जिसमें बिहार और उस समय झारखंड भी शामिल था। अंततः बिहार से 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को झारखंड को भी अलग कर दिया गया, अतः बिहार का वर्तमान स्वरूप 15 नवंबर 2000 से अस्तित्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने हाल ही में किस जगह में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत किया है? तो वो है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए सही है। श्रीनगर में 27 नवंबर 2021 को केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जम्मू कश्मीर में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की है। यह नमदा शिल्प क्या है? तो इसका संबंध जम्मू कश्मीर में पारंपरिक रूप से कालीन के निर्माण से संबंधित है, नमदा शिल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना और सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का उद्घाटन किया है? तो वो किया है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी। जरा देखिएगा मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना क्या है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा 25 फरवरी 2021 को इस योजना के माध्यम से पशुपालकों को पशु आहार यानी साइलेज के वैक्यूम बैग उपलब्ध कराए जाएंगे। यह बैग 25 से 30 किलो के होंगे। प्रदेश के पशुपालकों को पशु आहार प्राप्त करने के लिए अब कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात राज्य की पहाड़ी क्षेत्रों की ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशु के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराया जाना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। ये है घसियारी कल्याण योजना। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार के द्वारा सीएम उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, हिम प्रहरी योजना तथा दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर जो कभी कभी समाचार पत्रों में देखने को मिलता है, यह एक तितली की नई प्रजाति है जिसकी खोज बात करा जाए तो उत्तरी सिक्किम के जोंगू में की गई है। इसके बाद इसका वैज्ञानिक नाम जोग्राफेटस डोंजोगुएंसिस रखा गया है। यह सुनहरी पीली रंग की तितली है जिसके पंखों की कैनारी भूरे रंग के धब्बों वाली होती है। इन तितलियों की शारीरिक बनावट भिन्न होती है तथा नर की आंतरिक संरचना में भी अंतर पाया जाता है। क्लियर? तो ये तितली की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिलों का घटते क्रम में दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे सही क्रम जनसंख्या के दशकीय वृद्धि वाला, सबसे तो वृद्धि वाला सही क्रम बताना है घटते क्रम में। सबसे ज्यादा शिवहर का है, उसके बाद पूर्णिया, उसके बाद नवादा, और सबसे कम जो है वो सहरसा का है दशकीय जनसंख्या वृद्धि। देखा जाए तो वर्ष 2021 से 11 सॉरी वर्ष 2001 से वर्ष 2001 से 11 के मध्य बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% रही है। ये सब एनालिसिस आप एकदम सटीकता से याद रखेंगे, क्योंकि खूब सारा क्वेश्चन इसी से पूछता है आंकड़ा संबंधित। तो 2001 से लेकर 2011 के मध्य बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% रही है। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो है वो मधेपुरा रहा है, जहां का दशकीय जनसंख्या वृद्धि 31.12% रहा है। जबकि सबसे न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज रहा है, जहां का दशकीय जनसंख्या वृद्धि 19.02% रहा है। अब देखेंगे एक तरफ दिया हुआ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला, यहां जोड़ेंगे दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला और न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। तो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला सबसे ज्यादा मधेपुरा, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद अररिया, उसके बाद खगड़िया और उसके बाद पूर्वी चंपारण है। जबकि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला गोपालगंज, अरवल, दरभंगा, रोहतास और मुंगेर को शामिल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है आपको संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष क्या है जरा इसको समझिएगा। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA, इसके द्वारा जनसंख्या विश्व जनसंख्या रिपोर्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को जारी किया जाता है। UNFPA संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UN जनरल असेंबली का एक सहायक अंग है, जो इसके यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करता है। इसे वर्ष 1967 ईस्वी में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था और इसका परिचालन 1969 ईस्वी में किया गया है। क्लियर। तो वर्तमान समय में यह विश्व जनसंख्या रिपोर्ट को जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक छोटी चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जरा देखिएगा, बिहार के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक छोटी चोटी है जिसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का निचला भाग है, जो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में चंपारण जिले में उत्तरी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको डेवलपमेंट का तात्पर्य क्या होता है? तो इको डेवलपमेंट का तात्पर्य होता है आर्थिक विकास। इको डेवलपमेंट का अर्थ होता है आर्थिक विकास।